24, the volume of a balloon is 240 meter cube. It is filled with hydrogen of density 0.09 kg meter inverse 3. What maximum load can be lifted by the balloon given that the density of air is 1.29 kg meter inverse 3? तो आपको डेंसिटी दी हुई है हाइड्रोजन की, डेंसिटी दी हुई है एयर की, वॉल्यूम दिया हुआ है बैलून का, और आपको निकालना है, लोड निकालना है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड आउट द लोड. सो वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस. वॉल्यूम बैलून का 240, डेंसिटी हाइड्रोजन की 0.09, और ये आपको दिया हुआ है ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर 1.29. नाउ अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो ये हो गया वी रो एच इज इक्वल टू एम जी प्लस रो वी जी. तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ बैलून है, डेंसिटी ऑफ एयर है, और ये हाइट है. और यहां पे ये डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, वॉल्यूम ऑफ बैलून है, राइट? सो यहां पे सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे. 240 इंटू 1.29 इंटू 10 इज इक्वल टू एम जी प्लस 0.09 इंटू 240 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 309.6 इज इक्वल टू एम जी प्लस 216, और एम जी इज इक्वल टू 309.6 माइनस 216 इज इक्वल टू 2880 केजी. तो ये आपका आंसर. आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को लिखना है और सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25. अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो एंड वेट डब्ल्यू इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल. एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी रो है, वेट डब्ल्यू है, उसको लिक्विड के अंदर कंप्लीटली इमर्ज्ड किया है, और उस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है. आपको शो करना है दैट नाउ इट्स अपरेंट वेट विल बी, इसका अपरेंट वेट जो है उसका एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज बाय कैपिटल डब्ल्यू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस रो एल अपॉन रो. तो ये आपको शो करना है, ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपको शो करना है, इसको आपको प्रूफ करना है. सो हियर वी विल सी हाउ टू प्रूव दैट एक्सप्रेशन. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसकी डेंसिटी रो हो गई. Therefore, the volume of the object will be V, that is volume is equal to weight upon density. Now this object is immersed in a fluid of density rho L. ठीक है, ये fluid के अंदर immerse किया इस object को जिसकी density rho L है. Its apparent loss in weight would be equal to the weight of the fluid displaced. जैसे कि Archimedes principle इस चीज को state करते हैं कि जो apparent weight loss होता है किसी भी object का, वो बराबर होता है जितना वो फ्लूड डिस्प्लेस करता है. जितना फ्लूड वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका एपरेंट लॉस होगा. सो एपरेंट लॉस इज इक्वल टू रो एल वी इज इक्वल टू रो एल डब्ल्यू बाई रो. ठीक है, तो ये रो एल जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, और ये आपकी जो डेंसिटी है दैट इज ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है. सो देयरफॉर द वेट इन वॉटर इज इक्वल टू वेट इन वैक्यूम माइनस द लॉस इन वेट. वेट इन वॉटर इज इक्वल टू वेट माइनस रो एल W divided by rho. Again, I'm telling this is the density of liquid and this is the density of object. So, W is equal to or is equal to W under bracket क्या होगा 1 minus rho L divided by rho, or W is equal to 1 minus rho L upon rho. तो यहां पे आपका ये expression देख रहे हैं, ये proof हो गया है. ठीक है, यही expression आपको लाना था. 26. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्लैटिनम इज 21.5. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्लैटिनम इन सीजीएस एंड एसआई सिस्टम. तो आपको प्लैटिनम की डेंसिटी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, इसको आपको सीजीएस और सीआई सिस्टम में लिखना है, जो बहुत ही इजी है. सो हेयर इन दिस केस डेंसिटी ऑफ प्लैटिनम इन सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, इज 21.5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इन एसआई सिस्टम इट इज 21.5 केजी पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 27. अ पीस ऑफ मेटल वेज 44.5 जीएफ इन एयर, 39.5 जीएफ इन वाटर, एंड 37.5 जीएफ इन लिक्विड. तो यहां पे मेटल का वेट अलग अलग दिया हुआ है. एयर के अंदर 44.5 जीएफ है, वाटर के अंदर 39.5 जीएफ है, और लिक्विड के अंदर 37.5 है. आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है मेटल की और लिक्विड की. सो
कैसे निकालेंगे? हेयर इज द सॉल्यूशन. दिस इज वेट ऑफ मेटल पीस इन एयर. यहां पे ए है तो ये स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को. ठीक है, द वेट ऑफ मेटल पीस इन एयर. देन डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, वेट ऑफ मेटल पीस इन वॉटर. सो नॉर्मली रिलेटिव इज कैलकुलेटेड एज और रिलेटिव डेंसिटी. यहां पे डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल पीस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू. ठीक है, तो वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वॉटर. डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? लॉस इन वेट है. तो इनकी वैल्यूज हम लिख देंगे. तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी हुई है? मेटल पीस की एयर में वेट है 44.5 और अगेन यहां पे 44.5 माइनस 39.5. तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, ये रिलेटिव डेंसिटी निकल के आएगी मेटल पीस की 8.9. देन ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं. ठीक है, और यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं उनको आप जरूर से आप सॉल्व करेंगे. जब सॉल्व नहीं होंगे तो मैं आपको हेल्प करूंगी उसमें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.